तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फोन के लिए प्राइमरी फॉन्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीवो फोन में आप प्राइमरी फॉन्ट को फ्री में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा, यार आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दो लिंक दिए हैं, एक फाइल मैनेजर का और एक फॉन्ट का, ठीक है। तो दोनों ही लिंक को आपको डाउनलोड कर लेना गाइस। फाइल मैनेजर को आप कहीं और से डाउनलोड ना करें, अगर क्योंकि अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक दो फीचर्स आपके जो है उस फाइल मैनेजर में से मिस हो जाएंगे और जिसके कारण आप शायद फॉन्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको करना कि फाइल मैनेजर जो है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, फॉन्ट को पहले से ही डाउनलोड करके रखें। उसके बाद में आपको फाइल मैनेजर ओपन करेंगे। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद यार कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपको यहाँ जाना है और सबसे लास्ट में जाना है, शो हिडन फाइल, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। इस फाइल, ठीक है, इसको ऑन करने के बाद आपको करना क्या है कि इंटरनल में जाना है, हिडन वाले फीचर्स को ऑन जरूर कर लेना है। उसके बाद आपको जो आपका फॉन्ट है वो आपको मिल जाएगा डाउनलोड फोल्डर में, फिलहाल मैंने रखा हुआ है बैकअप फोल्डर में, और मेरा जो फॉन्ट है ये है। तो आपको इस पर दवाई रखना है और सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कॉपी करना है, कॉपी वाले पर क्लिक करने के बाद बैक बटन दबाना है। उसके बाद में आपको DWD का फोल्डर ढूंढना है और DWD फोल्डर में जाके जितने फोल्डर आपको मिलते हैं सारे ओपन करते जाना, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि करके कर रहा हूँ। जितने फोल्डर आपको मिलते हैं सारे ऑन करना, जब तक 5-6 फोल्डर एक साथ ना मिले। 5 फोल्डर आपको एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पे आपको F फोल्डर में जाना है। F फोल्डर में इस फॉन्ट को इजिली नीचे से पेस्ट कर देना है। तो ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में गाइस आपको करना क्या है कि अपना iThemes ओपन करेंगे। iThemes जैसे ही आप ओपन करेंगे आपका जो फॉन्ट है यहाँ पे नजर आ जाएगा और आप इजिली इसको अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई होने के बाद में जो आपका फॉन्ट है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो फॉन्ट है वो स्टाइल चेंज हो जाएगा और प्राइमरी फॉन्ट जो है अब बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं होम स्क्रीन का लुक जो है कुछ इस तरीके का मिल जाएगा फॉन्ट में और काफी ज्यादा प्यारा भी लग रहा है, ठीक है। इसके साथ अगर बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे जो आप फोन की सेटिंग्स में देख रहे होंगे फॉन्ट कितना गजब का लग रहा है और कुछ इस तरीके का जो फॉन्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आपके फोन को यहाँ पे मिलने वाला है, काफी ज्यादा गजब का फॉन्ट है, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।